हाय एवरीवन, मैं हूं शीला। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुकिंग विद शीला में। फ्रेंड्स, इस समय लोकेशन देख के आपको पता चल रहा होगा, या फिर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं बताती हूं। इस समय मैं हूं मायके में, अपने घर पर नहीं हूं। मायके आने का एक रीज़न है जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी आपसे। तो मायके आना बहुत अच्छा लगता, मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो इसलिए मुझे माँ से मिलकर, पूरी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा। और इस समय पूरी फैमिली इकट्ठी है मेरी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो नहीं है। तो इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों से, भाइयों से, कुछ लोगों से बहुत दिनों बाद मिलना होता है किसी फंक्शन में ऐसे, तो सबसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मायके आने का एक रीज़न है, मेरी सिस्टर की शादी है, छोटी सिस्टर है मेरी, उसकी शादी है, तो इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आपके साथ भी कोशिश करूँगी कि सारी वीडियो शेयर कर पाऊँ। देखते हैं कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शादी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर हर वक्त हम कैमरा लेके या फ़ोन लेके कहाँ घूमते रहेंगे। तो देखते जितना हो पाएगा उतना ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी क्लिप आपके साथ शेयर करूं। और ये देखिए, ये देखो मेरी गुड़िया रहनी बेटा, देखो हाय बोलो, बोलो हाय एवरीवन, बोलो। देखो लिपस्टिक लगा रखी, अपने हाथ से लगाई है लिपस्टिक, इसको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, तुमको मेकअप करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इनसे बोलो कि तो मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। बोलो अच्छा लगता है, कहते देखो मैं लिपस्टिक लगा रखी हूँ। बाय बोलो, बाय बोलो, लव यू बोल दो, बोल दो लव यू ऑल, ऐसे करके प्राइ किस दो, किस दो, ऐसा करके दो। हाँ वेरी गुड। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे शेयर करने की, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरी वीडियो को, चैनल को। तो मिलती हूँ आपसे आगे, दिखाते हैं मैंने क्या क्या शॉपिंग की। पूरा तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, बस थोड़ी सी बहन के लिए जो साड़ियाँ लेकर आए थे वही रिकॉर्ड कर पाए, बाकी तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी थी, इतनी ज़्यादा भागम भाग रहती थी कि फटाफट लेके आओ, पैकिंग करो, जो है रिकॉर्ड करने या दिखाने का टाइम ही नहीं रहता था मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले कोई पैकिंग नहीं की थी, कोई शॉपिंग नहीं की थी, इकट्ठे ही लास्ट में ही सारी शॉपिंग किए हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, पर साड़ियाँ मैंने अभी रखी थी बाहर, तो उनको दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, ये वो साड़ियाँ हैं जो मैं अपनी सिस्टर को दे रही हूँ, सिस्टर के लिए लेके आए। सारी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये ब्लू ब्लैक है, मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लग रही थी, और रेड ब्लैक है, बाकी येलो और रेड है, स्काई ब्लू है, सारी साड़ियाँ मैं बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे, और सबको पसंद आई थी। सिस्टर को भी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये सिल्क बनारसी पे है, दो सिल्क बनारसी पे हैं, बाकी सारी ऐसी हैं। तो आपको कैसी लगी मुझे बताएं, मैंने खोल के नहीं दिखाया हो क्योंकि पैकिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तिलक जाने की तैयारी है, सारा सामान पैकिंग होके आ गया है। तो ये तिलक के दिन का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी वो साड़ियाँ मैंने पहले रिकॉर्ड की थी। पूरा सब कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो सारी सामग्री है जो फल और मेवे हैं जो जानी, बाकी सामग्री मैंने नहीं, क्योंकि सब पैकिंग में रखा था, तो एक एक निकाल के दिखाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सारी पैकिंग करनी पड़ती और जाना भी था उसी दिन, तो बहुत सारी तैयारियाँ थी तो इसलिए टाइम नहीं लगा। और ये देखिए सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, करीब 10 गाड़ियाँ दरवाजे आई थी, बाकी जो है रास्ते में मिलनी थी कुछ गाड़ियाँ। सारे लोगों को टीका लगा दिया गया, सब लोग तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं, काफ़ी लोग निकल गए हैं जो खड़े हैं, आगे जा रहे हैं हमारे बड़े भैया हैं, ये सबसे छोटा भाई है, सारे भाई सबको भेज के तो लास्ट में जाने वाले हैं, सबको निकाल के कौन रजिस्टर हो रहा कौन नहीं। जो काफ़ी दूर जाना था, 2-2.5 घंटे का रास्ता था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकले थे सब लोग।
तो सारे लोग निकल गए हैं, बाकी ये जो लास्ट दरवाजे गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ी है, तो इसको लास्ट में सबसे यही जाएगी। घर के लोग भाई लोग सब लोग इसी में बैठ के जाएंगे, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ थी सारी फुल हो चुकी, बहुत सारे लोग थे और टाइम से पहुँच भी गए जल्दी में। अच्छा लगा था जो है, सिस्टर का घर है बाहर से थोड़ा सा। तिलक की वीडियो मेरे पास नहीं थी, बस उधर से भी किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया था, एक ही मिली थी, किसी को हमने ऐड कर दिया है। और ये देखो डांस वगैरह हो रहा था, ये जीजू जी ने भेजा था, तो बाकी वीडियो वहाँ के मेरे पास नहीं थे। दरअसल क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, इतने काम होते हैं कि दिमाग से उतर जाता है, मुझे वीडियो भी बनाने हैं, फ़ोन लेना ही नहीं याद रहता, तो वीडियो कैसे बनाएं। आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, अगर ढेर सारा प्यार देंगे तो आगे मैं अपनी सिस्टर की शादी की वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।